तो गाइज आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक क्रॉसओवर कार के बारे में जो कि है मारुति सुजुकी की एस क्रॉस। अगर जैसे आप सेफ्टी की देखोगे सेफेस्ट कार मारुति सुजुकी में चूज करना चाहते हो तो सबसे पहले आती है ब्रेजा, जो इसकी ग्लोबल एनकैप टेस्ट रेटिंग है अभी एस क्रॉस की इंडिया में नहीं आई है। जैसे इस गाड़ी के वेरियंट्स की बात की जाए तो इसके अंदर सिग्मा, डेल्टा, जेटा और अल्फा वेरियंट आते हैं। बेस वेरियंट को छोड़ के यानी कि सिग्मा वेरियंट को छोड़ के उसके ऊपर डेल्टा, जेटा और अल्फा, उनके अंदर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है जो कि टॉर्क कन्वर्टर के साथ आता है। जो ये पर्टिकुलर वेरिएंट है सिग्मा वेरिएंट है मैनुअल ट्रांसमिशन में। और ये जैसे इंजन की बात की जाए तो सिर्फ आपको एक इंजन मिलता है पेट्रोल के अंदर। तो आज की वीडियो में कंप्लीट में बताने वाला हूं कि सिग्मा वेरिएंट में आपको क्या क्या चीजें मिल जाती हैं, कैसे क्या फीचर्स मिलते हैं, तो सारी चीज के बारे में कंप्लीट आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो गाइस बंची के नाम से मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल और है, ऊपर आई बटन पे मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। गाड़ी की सबसे पहले एक्सटीरियर लुक से बात कर लेते हैं। तो जैसे आप इसका बेस वेरिएंट भी लेते हो ना तो आपको फ्रंट जो हेडलाइट है इसकी प्रोजेक्टर मिल जाती है, कोई डीआरएल्स वगैरह इसके अंदर नहीं मिलते हैं और जो फॉग लाइट है वो भी आपको गाड़ी के अंदर नहीं प्रोवाइड होती है। जो रेडिएटर ग्रिल है वो आपको क्रोम फिनिश के साथ मिलती है। गाड़ी की जो लुक है ना आपको काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है। कंपेयर करोगे इसको ब्रेजा से तो इसकी जो लेंथ है कंपेयर टू ब्रेजा ज्यादा बड़ी है। इसकी जो लेंथ है 4300 mm है और जो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है वो 180 mm का मिल जाता है। तो गाड़ी के हिसाब से जो ग्राउंड क्लियरेंस है आपको ठीक ठाक मिल जाता है। बाकी जैसे आजकल इंडियन सड़कों में इंडियन सड़कें देखी जाए तो उसके मुताबिक जो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको कम लगने वाला है। और जो इसके ORBM है ये सिर्फ आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलेंगे, रिट्रैक्टेबल यानी कि फोल्ड एंड अनफोल्ड जो है आपको हाथ से ही करने पड़ते हैं यानी कि मैनुअली होते हैं। जो टायर साइज है 215/60/R16 के इसके अंदर आपको टायर प्रोवाइड हो जाते हैं। जो इसके टर्न इंडिकेटर है वो आपको साइड फेंडर पे अवेलेबल होते हैं, कोई रूफ रेल वगैरह गाड़ी के अंदर अवेलेबल नहीं होती है। और इस गाड़ी के अंदर अच्छी बात क्या है, आपको फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक मिल जाता है और जो इसके पीछे वाले टायर है वहाँ पे भी आपको डिस्क ब्रेक अवेलेबल हो जाता है। और ये गाड़ी सिर्फ आपको पेट्रोल के अंदर मिलती है जिसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है 48 लीटर्स की। और जो गाड़ी की टेल लाइट है वो आपको हैलोजन बल्ब के साथ मिलती है। गाड़ी की जैसे लुक्स जो दे रखी है ना आपको फ्रंट में से, साइड में से, बैक में से आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। अगर जैसे आप इस गाड़ी को परचेज करना चाहते हैं तो ये जो गाड़ी है आपको जैसे नॉर्मल जो शोरूम है ना मारुति सुजुकी के लाइक अरीना, प्लैटिनम वहाँ पे नहीं मिलती है, नेक्सा के जो शोरूम है वहाँ पे जाके अवेलेबल होती है। नेक्सा और अरीना में मतलब डिफरेंस क्या है, इनके जैसे मारुति सुजुकी ने क्या है बहुत ही ज़्यादा गाड़ियाँ निकाल रखी, काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट्स निकाल रखे हैं तो इस वजह से थोड़ा सा प्रीमियमनेस करके इन्होंने नेक्सा के अंदर इस गाड़ी को एड ऑन कर रखा है। हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है, स्पॉइलर नहीं मिलता है और माइक्रो टाइप एंटीना प्रोवाइड हो जाता है। और जो गाड़ी की बूट को एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे मैग्नेटिक स्विच भी मिल जाता है। जो इसकी बूट की कैपेसिटी है वो आपको 353 लीटर्स की प्रोवाइड होती है। जो सेकंड रो की सीट्स हैं वो 60-40 स्प्लिट सीटें मिल जाती हैं। अगर जैसे देखा जाए तो ये जो सेकंड रो की सीट हैं फ्लैट फोल्ड हो जाती हैं, तो इससे क्या है आप जो गाड़ी के अंदर सामान है काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छी तरीके से आप सामान कैरी कर सकते हैं। अगर इसके जो टायर की स्पेयर व्हील की बात की जाए तो उसके अंदर भी कोई कॉस्ट कटिंग देखने को नहीं मिलेगी, 215/60/R16 के ही टायर मिलते हैं। और इस वेरिएंट में क्या है आपको कोई व्हील कवर वगैरह प्रोवाइड नहीं होते हैं, आप चाहो तो व्हील कवर एसेसरीज के तौर पे ले सकते हैं या फिर आप इस गाड़ी के अलॉय व्हील्स भी जो हैं एसेसरीज के तौर पे ले सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर अच्छा क्या है जैसे ब्रेजा से कंपेयर की जाए तो ब्रेजा में जो इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है ना ब्रेजा का, वहाँ पर ही सिर्फ आपको स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम मिलेगा। बट इस एस क्रॉस के अंदर क्या है आपको हर एक वेरियंट के अंदर स्मार्ट हाइब्रिड का सिस्टम मिलता है, इससे क्या है आपकी जो जैसे फ्यूल इकोनॉमी है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। अभी गाड़ी के अंदर चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मिल जाती है इस बेस वेरिएंट के अंदर। सबसे पहले गाड़ी के डोर पैड से स्टार्ट करते हैं तो चारों पावर विंडो के स्विचेस मिल जाते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे फैब्रिक का भी यूज़ मिल जाएगा। तो क्या है बेस वेरिएंट में भी आपको थोड़ी सी प्रीमियमनेस मिल जाएगी, फैब्रिक की ही आपको गाड़ी के अंदर सीट मिलती है, कोई हाइट एडजस्टेबल सीट इस पर्टिकुलर वेरियंट में अवेलेबल नहीं होती है। जो फिट एंड फिनिश है डैशबोर्ड की काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। और अच्छी बात क्या है जो इसका ये वाला पार्ट जो दे रखा है ये सॉफ्ट प्लास्टिक में दे रखा है और जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ पर हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया हुआ है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है अच्छा मिलता है बेस वेरिएंट के हिसाब से देखा जाए
तो एनालॉग के अंदर दे रखा है टैकोमीटर भी और स्पीडोमीटर भी, बीच में छोटी सी MID मिल जाती है, कलरफुल MID नहीं है ये, ब्लैक एंड वाइट टाइप ही MID इसके अंदर मिलती है। और जो इसका स्टेयरिंग व्हील है सिर्फ टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक यानी कि उसको आप रीच नहीं कर पाओगे, कोई म्यूजिक सिस्टम से जुड़े हुए कंट्रोल इसके अंदर नहीं प्रोवाइड होते हैं। म्यूजिक सिस्टम भी आपको गाड़ी के अंदर नहीं मिलता है एज एन एसेसरीज, या फिर आप बाहर से चाहो तो कहीं से भी ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है। मैनुअल ही इसके अंदर AC मिलती है, सिर्फ 12 वोल्ट का शॉकेट मिलता है। आर्म रेस्ट जो है वो भी नहीं मिलता है, सिर्फ 2 कप होल्डर्स मिलते हैं। आर्म रेस्ट जो है इनके मतलब अपर जो वेरियंट्स आते हैं वहाँ पर मिलने स्टार्ट होते हैं। जो इसके IRVM है मैनुअल मिलते हैं। पैसेंजर साइड सनवाइजर में आपको मिरर प्रोवाइड हो जाता है और ड्राइवर साइड सनवाइजर में टिकट होल्डर प्रोवाइड हो जाता है। इस साइड में आपको ऑटो इंजन ऑन एंड ऑफ का स्विच एंड लाइट लेवलिंग के लिए कंट्रोल, और यहाँ पे आपको मिलता है इसकी फ्यूल लिड को ओपन करने के लिए। अभी गाड़ी के अंदर कंफर्ट की बात कर लेते हैं कि कैसे क्या मिलता है। तो जैसे मैंने इसको डोर को बंद किया ना भाई, तो थोड़ा सा तो भाई है गाड़ी के अंदर, मतलब हैवीनेस तो नहीं है, बट जो डोर की क्लोजिंग है ना वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाती है। अभी ये बेस वेरिएंट है तो इसमें क्या लग रहा है, जो सीट है ना वो नीचे दे रखी है, तो इस वजह से क्या लग रहा है, जो जैसे ये स्टीयरिंग व्हील का जो पार्ट है थोड़ा सा ऊपर लग रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे भाई मुझे दिक्कत लगी। और जो इसका हुड है वो भी मुझे नहीं दिख रहा है, थोड़ी सी सीट ऊपर हो जाएगी तो उसके बाद जो इसका हुड है वो दिखने लग जाएगा। इस गाड़ी के अंदर फील आपको किस टाइप की आएगी, जैसे जो इसका विंड स्क्रीन जो दे रखी है ना थोड़ी सी स्लोपिश दे रखी है, जहाँ की ब्रेजा में थोड़ी सी खड़ी सी आती है, तो वहाँ पर थोड़ी सी आपको SUV टाइप फील आती है। और इस गाड़ी के अंदर आपको थोड़ी सी मिक्स टाइप की सी फीलिंग आएगी, जैसे कि आप सेडान में बैठे हो, हैचबैक में बैठे हो, तो मिक्स टाइप की आपको गाड़ी के अंदर फीलिंग आती है। अंडर थाई स्पोर्ट ओके दे रखे, लेग रूम आपको ओके दे रखा है, डेड पेडल भी प्रोवाइड हो जाता है। और जो सीट की विड्थ है मेरी हेल्थ के अकॉर्डिंग तो ओके, बट ज़्यादा हेल्दी पर्सन जैसे बैठेगा जिसके पैर थोड़े से भारी हैं तो उसको भाई दिक्कतें होने वाली है। बाकी जो पीछे वाला है जैसे बकेट फिटिंग दे रखी, वो भी आपको गाड़ी के अंदर ठीक ठाक मिल जाती है। 5-speed ही गेयरबॉक्स आता है इसके मैनुअल ट्रांसमिशन में, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में इसका 4-speed गेयरबॉक्स आता है। अब इसकी सेकंड रो में मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा क्या कंफर्ट प्रोवाइड होता है। तो जो गाड़ी की ड्राइवर साइड सीट है मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है, तो इसके अंदर आप नी रूम देखोगे काफ़ी अच्छा इसके अंदर नी रूम मिल जाता है, लेग रूम भी गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। सेकंड रो पे भी जो सेकंड रो के डोर है उसके डोर पैड, जो सेकंड रो के डोर पैड्स हैं वहाँ पे भी आपको फैब्रिक का यूज़ मिल जाएगा, तो जैसे विजिबिलिटी है ना तो सेकंड रो में तो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ जाती है। साइड विंडो से अच्छा व्यू है। जो रेक्लाइनिंग एंगल है वो आप गाड़ी का एडजस्ट नहीं कर सकते, वो एक टाइप का ही रेक्लाइनिंग एंगल रहेगा। इस गाड़ी के अंदर अच्छा क्या, जैसे इसके बेस वेरिएंट है तो भी इसमें फर्स्ट रो में भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं और सेकंड रो में भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। वहीं अगर ब्रेजा में देखोगे तो बेस वेरिएंट में आपको सेकंड रो में फिक्स हेडरेस्ट नहीं मिलते, फिक्स भी नहीं मिलते और एडजस्टेबल भी नहीं मिलते, सिर्फ ऐसा है कि भाई बेंच टाइप सीट दे दी, दैट्स इट। और पीछे की तरफ आपको कोई आर्म रेस्ट अवेलेबल नहीं होता है, सिर्फ आपको 3-point सीट बेल्ट 2 मिल जाती है और 2-point सीट बेल्ट मिल जाती है, और आइसोफिक्स सीट्स भी आपको गाड़ी के अंदर मिल जाती है, कोई एयर के वेंट्स जो है गाड़ी के अंदर नहीं मिलते हैं। और गाड़ी के अंदर जैसे अंडर थाई स्पोर्ट जो है वो गाड़ी के अंदर ओके मिल जाते हैं, 3 पर्सन जो है गाड़ी के अंदर आराम से बैठ सकते हैं, उनके थोड़े से शोल्डर्स टच होंगे, पर इतना भी नहीं है कि भाई बिल्कुल ही कंफर्टेबली इसकी सेकंड रो में बैठ के जा सकते हैं, बट ऐसा है कि भाई अडल्ट जो है इसकी सेकंड रो में आराम से बैठ के जा सकते हैं। S-Cross के अंदर एक ही इंजन आता है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो कि ब्रेजा के अंदर भी आता है, वो प्रोड्यूस करता है 103 BHP एंड 138 Nm ऑफ टॉर्क। और जो कंपनी इसकी माइलेज क्लेम करती है वो 18 KMPL की करती है, तो एवरेज जो है वो थोड़ी सी मारुति क्या है जिनकी एवरेज अब थोड़ी सी कम होने लग गई है। बाकी जैसे बोलते हैं ना कि भाई जो मारुति की सर्विस है काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती है, सिर्फ जो स्पेयर पार्ट्स हैं वही सस्ते मिलते हैं, बाकी जो सर्विस है वो भाई बहुत ही ज़्यादा जाती है, उनकी सर्विस कॉस्ट इतने लगा लो इतने ही स्पेयर पार्ट्स के लगते हैं, और इतने ही जैसे आप उस पार्ट को इंस्टॉल कराओगे इतने ही रुपये उसके ले लेते हैं। तो भाई मुझे तो कुछ लगा नहीं कि जो मारुति की गाड़ियों की सर्विस है कुछ कम पड़ती है, क्योंकि मेरे पास में ब्रेजा है तो उसकी सर्विस मैंने कराई, उसके अंदर कुछ चीज़ें मैंने ठीक कराई, तो वहाँ पर जाके मुझे पता लगा कि भाई इतना तो कुछ खास डिफरेंस आता नहीं है। बाकी जो सेल फिगर भी देखोगे मारुति की गाड़ियों की सबसे ज़्यादा होती है, अगर जैसे रोड पे भी देखोगे तो मारुति सुजुकी की गाड़ियां ही आपको रोड पे ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो गाइस ठीक है, यही सब कुछ था आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर सोशल मीडिया के लिंक्स मैंने दे रखे हैं वहाँ से भी पूछ सकते हो। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।